देवेंद्र खटके, मनोज, मुनीष बोंद्रे, ज्ञानेश्वर, आय होप तुम्हाला सगळ्यांना पेपर चांगला गेला असेल. विद्यार्थी मित्र, तुम्हाला आठवत असेल मी तुमचा 17 तारखेला एक पेपर सॉल्व करून घेतला. तुम्हाला आठवत असेल मॉडेल क्वेश्चन पेपर मी सॉल्व करून घेतला होता. एक पीवायक्यू सॉल्व केला होता, एक मॉडेल क्वेश्चन पेपर सॉल्व केला होता. त्याच्यातले बरेचसे क्वेश्चन, बाळांनो, बरेचसे क्वेश्चन याच्यामध्ये आलेले होते. दे मीन मार्क्स का छूटा. अच्छा ठीक है बेटा, इतना छूट गया बेटा तुझसे, 10-20 मार्क का छूट गया. अरे बाप रे, बहुत ज्यादा छूट गया. चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. अभी हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं. किस किस के क्वेश्चन का क्या क्या आंसर आया, कैसे आना चाहिए था. पेपर चांगला गेला, खूब, वेरी गुड. सुजीत गेमिंग काय म्हणतोय, हाय सर, ओके हाय एवरीवन. ठीक आहे, सो आय होप पेपर सगळ्यांना चांगला गेला असेल. आणि जरी नसेल गेला तरी काही हरकत नाही बाळांनो, जेवढा आपण जेवढा तुमचा पेपर कसा गेला, काय गेला, आपण आता पेपर सॉल्व्ह करू. तुम्हाला कळलंच प्रत्येक ठिकाणी काय काय आन्सर आलेला आहे ते. ठीक आहे, चलो दे, लेट्स बिगिन. अरे बापरे, 50 मार्क का छूट गया. मोटिवेशनल स्पीकर इतना, मेरे लिखा 30 मार्क्स का है. अरे बापरे, आई हैव कंप्लीटली आउट ऑफ. वेरी गुड देवेंद्र. मयुरेश पलटकर, हाय बेटा, हाय. ठीक है, चलो देन लेट्स स्टार्ट. सेक्शन ए, सेक्शन ए सगळा 10. ओके, वेरी गुड. कोकणी मुलगी, वेरी गुड बेटा. न्यूज अपडेट, हाय 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 एवरीवन. ठीक है, चलो सुरुवात करू आपण. सेक्शन ए सगळ्यात इम्पॉर्टंट सेगमेंट. इथे तुमचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन असतात आणि या ठिकाणी तुम्ही जास्तीत जास्त स्कोर करू शकतात. क्रूड स्टुडिओ 40 मार्क्सचा लिहिला. अच्छा ठीक आहे, काय क्वेश्चन आहे पहिला? द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्पियर अँड एज लेंथ ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक बी सी. सर प्लीज थोडा जल्दी. येस सृष्टी बेटा, हम फास्ट ही जाने वाले. ठीक है, पहले इसका आंसर क्या आने वाला है बताओ मुझे कोई. आर इज इक्वल टू 3a/4. पहला इसका आंसर क्या है? आर इज इक्वल टू 3a/4. 70/70 लगा में पेपर फोर आया, एक मजा आया, पेपर फोर दिया. वेरी गुड बेटा चेतन. ठीक है, चलो तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट का आंसर सी, यस आर सिंह. नेक्स्ट, द पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 11.2, इट्स ओएच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज. अब देखो इसका पीएच, अब 11.2 क्या है उसका पीएच है. अब तुमको सबको पता है पीएच का फॉर्मूला क्या है. पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट. पीएच 11.2 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन. सो देयरफॉर H plus ion concentration is equal to minus anti-log of 11.2, right? इसका answer, हाँ ठीक है. तो अब इसका anti-log अगर आपने लिया तो आपको पता चलेगा क्योंकि 11.2 है, ये somewhere around 10^-11 आएगा. अगर H plus ion 10^-11 आएगा बच्चों, तो OH minus ion concentration कितना आएगा? आप सबको पता है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10^-14. उसमें से H प्लस आयन अगर 10^-11 है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा आप सबको पता है. देखो ये उसके नीचे जाएगा, 10^-14 के नीचे 10^-11 जाएगा, तो ऑब्वियसली 10^-3 आएगा. देयरफॉर करेक्ट आंसर इज दिस वन, ऑप्शन नंबर ए. यस वेरी गुड. चलो देन आगे निकलते हैं. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रेशर के टर्म में आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? यस, लॉग 10 पीआई डिवाइड बाय 2pi-p. माझे फक्त 5 बरोबर आले, ठीक है बाळा, काही हरकत नाही. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, राइट. चलो देन मूविंग अहेड. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नीज 2+ आयन. मैग्नीज 2+ बच्चों, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है? 25. सो आर्गन 4s2 3d5, उसमें से भी 4s2 निकल गया, क्या बचा? 3d5. 3d5 मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यू शुड बी हैविंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है? 5.92, जो कि यह है. देयरफॉर अगेन द करेक्ट आंसर इज बी, राइट. चलो मूविंग अहेड.
द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अ कॉम्प्लेक्स हैविंग आईपैक नेम टेट्राअमाइन डायब्रोमो प्लैटिनम फोर ब्रोमाइड इज। टेट्राअमाइन मतलब कितने अमाइन बच्चों, चार अमाइन, ये ऐसे लिख लेने के NH3 4। डायब्रोमो मतलब दो ब्रोमीन, प्लैटिनम फोर, अब प्लैटिनम फोर है, ब्रोमाइड मतलब दो ब्रोमीन बाहर है, दो ब्रोमीन अंदर दो ब्रोमीन बाहर, चार ब्रोमीन की वजह से प्लस फोर और अमाइन का चार, तो क्या आ रहा है परफेक्ट आंसर, हियर इट इज PtBr2 NH3 4 Br2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यस ओके चलो नेक्स्ट। एलाइलिक हैलाइड अमोंग द फॉलोइंग इज, इसमें से एलाइलिक हैलाइड कौन सा है कोई मुझे बताएगा? मयूरेश परटकर, सी सी बेटा अरिल हैलाइड से, हाँ है तुमसे अरिल हैलाइड, आणि एलाइलिक विचारला असेल तर कुठला येईल, सो दिस इज एलाइलिक हैलाइड। ठीक है मोनेश बोंद्रे, अच्छा पेपर गया, वेरी गुड बेटा, अच्छा पेपर गया, अच्छी बात है। यस तो इसका आंसर क्या आ रहा, एलाइलिक हैलाइड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो मूविंग अहेड, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का आंसर क्या आना चाहिए? तो देखो LiLH4 है बेटा, LiLH4 क्या करता है, LiLH4 को डबल बॉन्ड को टच नहीं करता, ये टच नहीं करता डबल बॉन्ड को, ये सिर्फ CHO को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बायो महा मैराथन कभी आए बेटा, देखो नोटिफिकेशन यही लच, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है, CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां डबल बॉन्ड रहता है लेकिन ये अल्कोहल बन जाता है? तो तुम्हारे सामने है डबल बॉन्ड वैसा का वैसा है, कहां गया, ये देखो डबल बॉन्ड वैसा का वैसा है, CH2 CH2OH, हियर इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। यस बेटा शेख रिडक्शन, वेरी गुड। चलो मूविंग अहेड, ओजोनोलाइसिस ऑफ 2.3 डायमिथाइल, ओजोनोलाइसिस ऑफ 2.3 डायमिथाइल ब्यूटोइन, पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, कैसा स्ट्रक्चर आएगा, ये ब्यूटोइन 2.3, ये 2.3 डायमिथाइल। अब जब कभी भी इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं क्या करते हैं बच्चों, इसको ना ये ऐसा स्प्लिट कर देते हैं और इसके दोनों साइड क्या डाल देते हैं, ऑक्सीजन। तो तुम खुद ही देखो, ये सिंपल ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक, ट्रिक ऑफ ओजोनोलाइसिस, इसको काट देते हैं ऑक्सीजन डाल देते, देखो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ओ, व्हाट इज दैट, दैट इज एसीटोन, वेयर इट इज, हियर इट इज ऑप्शन नंबर सी एसीटोन। ओके बच्चों आगे समझ में, चलो आगे निकलते हैं। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना जो सिर्फ मेमोरी बेस है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिर्फ मेमोरी बेस रहेंगे, जैसे कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन माल्टोसिस, माल्टोस में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है बच्चों, माल्टोस में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, α1.4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, कौन सा, α1.4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, होमोलाइटिक फ्यूजन। नेक्स्ट मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन इज द नेचुरल रबर, इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। ओके चलो अब वो डन हो गया, अब नेक्स्ट, अब सिंगल आंसर क्वेश्चन, सिंगल आंसर क्वेश्चन में एक 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 लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। राइट द नेम ऑफ द टेक्निक यूज टू नो द ज्योमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल की ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेक्निक होता है बच्चों, तो वो होता है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सा, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिंगल सिंगल लाइन वाला है, एक एक लाइन में लिख देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ LiLH4 ऑन एसिटामाइड, एसिटामाइड का मैंने अगर रिडक्शन किया, यस मयूरेश परटकर, वेरी गुड बेटा, XYZ क्या है मोनिश बोंद्रे, सो एसिटामाइड क्या होता है बच्चों, ये देखो एसिटामाइड, ये तुम्हारा एसिटामाइड, इसका मैंने रिडक्शन किया, किसके साथ रिडक्शन किया, LiLH4 प्लस इथर, तो ये क्या कर देगा, इसको भी रिड्यूस कर देगा और जो NH2 है वो वैसा का वैसा रहेगा। RIP सर, कौन बोल रहा है, शिरम RIP सर, मैं तो जिंदा हूं भाई, मैं मरा नहीं हूं,
ये तुमको क्या देगा, सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, राइट? व्हाट इज इट? इट्स अ इथिलामाइन. सो व्हाट डू यू गेट हियर? यू गेट इथिलामाइन. नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मड व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर. क्या मिलता है बच्चों तुमको? क्लोरोबेंजीन अगर तुमने लाया, ये ऐसा, ये क्लोरोबेंजीन किसके साथ लाया? सोडियम 2Na, दूसरा क्लोरोबेंजीन, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर. ये क्या करता है? सोडियम तुम्हारे क्लोरीन को लेके उड़ जाता है एंड तुमको क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेट हियर इज डायफिनाइल. दिस इज व्हाट यू गेट, राइट? हाँ, बराबर मोनिश, डायफिनाइल या बायफिनाइल. ओके, चलो मूविंग अहेड. राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रायोलाइट. क्रायोलाइट का केमिकल कंपोजिशन क्या है? सो उसका केमिकल कंपोजिशन है Na3AlF6. क्या है? Na3AlF6, राइट? ये BYP 2022 का, हाँ शायद हो सकता है बच्चा, उसमें आ सकता ही है, ठीक है? So that is what it is. Next, moving ahead, write the name of platinum complex used in the treatment of a cancer. Cancer के treatment में जो platinum complex use करते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है cisplatin. क्या नाम है बच्चों उसका? cisplatin. ये cisplatin, right? Block Shivam, please. Yes. चलो मूविंग अहेड. द एसआई यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब क्या? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम. केएफ क्या होता है बच्चों? केएफ होता है तुम्हारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. सो देयरफॉर केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ इनटू एम. डेल्टा टीएफ का क्या यूनिट है? केल्विन, राइट? अच्छा, ये वाला गलत हो गया तुम्हारा. मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या है बच्चा? मोलालिटी का यूनिट है मोल पर केजी. क्या है? मोल पर केजी. सर आपने पूरे ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैराथन में. यस मोनिश बेटा, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे और उसी क्वेश्चन का फायदा हुआ. तो जिन जिन लोगों ने मैराथन ठीक से अटेंड किया था उनको जरूर फायदा हुआ होगा, क्योंकि मैंने ये तभी बोला था, ये क्वेश्चन मैंने चुन चुन के लाए हैं तो आपको इससे फायदा होगा. अभी जिन्होंने किया उनको हुआ होगा, ठीक है? तो क्या मिलता है यहां पे? केल्विन पर मोल केजी. दैट इज द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ. दैट इज व्हाट इट इज, राइट? ओके, चलो देन मूविंग अहेड. नेक्स्ट, करेक्ट कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी. ग्रेसिंग मार्क्स आस्ता का, ग्रेस मार्क्स नस्तत बड़ा. सार्थक बैच में हिंदी लैंग्वेज में लेक्चर लोगे ना? यस बेटा अनूप, हिंदी में लेक्चर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? ओके, चलो. तो गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन होगी तुम्हारी स्पॉन्टेनियस. अगर तुम्हारा डेल्टा जी पॉजिटिव है बच्चों, अगर डेल्टा जी, यस साइथमा, वेरी गुड, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर तुम्हारा डेल्टा जी जीरो है देन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. अगर डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. यस, ओके, चलो देन मूविंग अहेड बच्चों. कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर BaCl2 इफ इट्स कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन इज दिस. देखो मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम क्या फॉर्मूला होता है बच्चा इसका? इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन. डेल्टा एम किधर, कितना वैल्यू डेल्टा एम का, सॉरी डेल्टा एम क्या लिखा यार मैंने, सॉरी, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय सी. कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना है? 0.01. कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर. तो कितना बन रहा है ये?
ये बन रहा है 10 × 10⁻², 5 × 10⁻¹, 5 to 2, तो ये बन गया 2 × 10⁻², 10⁻¹. सो दैट इज बिकम 2 × 10⁻¹. दैट इज व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, राइट? ओके, आपकी वजह से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, थैंक यू साइतामा. ठीक है, ओके, चलो मूविंग अहेड. नाउ अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन. इसमें से क्या करना है बच्चा, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. आप सबको पता है, आप सबको पता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है. तो बेटा 2 या 3 पॉइंट से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, अपना टाइम बचाना चाहिए. ओके, सो लैंथेनाइड एक्टिनाइड. लैंथेनाइड में क्या होता है, वेयर डज द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f ऑर्बिटल. यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f ऑर्बिटल, राइट? ये पहला डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस क्या है, यहां पे तुम्हारा जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड कैन शो +4, +2, and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम +2, +3, +4, +5, +6, इनफैक्ट टिल +7. ओके, ऑल लैंथेनाइड्स, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव. एक्टिनाइड्स बेटा, जितने भी एक्टिनाइड्स होते हैं सब के सब होते हैं रेडियो एक्टिव. लैंथेनाइड का क्या है, सिर्फ प्रोमिथियम, ओनली प्रोमिथियम इज रेडियो एक्टिव. ठीक है, इतना लिखा, इनफ है, यू विल गेट 2 out of 2 मार्क्स हियर. ओके, चलो देन मूविंग अहेड. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट अ सर्टन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ मर्क्यूरी एंड वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट इन बेंजीन इज 600 mm ऑफ मर्क्यूरी. तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है बच्चों, P₁₀ - P₁ is equal to what, P₁₀ - 2, या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा पी P₁₀ - 2. P₁₀ कितना है बच्चों, 640. P₁ कितना है, 600. P₁₀ कितना है, 640 एंड Ki₂. तो ये क्या बन रहा है, 40, 640 Ki₂. Therefore Ki₂ is equal to 40 / 640. 0 0 gets cancel, 16 × 4 = 1/16, 1/16 = 0.00. अतः 16 का टेबल. ओ थैंक यू गौरी, थैंक यू. सो 16 × 6 कितना होता है, 96. कितना बचा, 4 0, 3 × 2 = 32. कितना बचा, 8 5, 0.0625. दैट इज द मोल फ्रैक्शन. ओके, चलो देन मूविंग अहेड. Define green chemistry, write 2 advantages of nanoparticle and nanotechnology. अब मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, राइट आया सर, ओके बच्चा, वेरी गुड. तो ये क्या है नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री तुम डिफाइन कर सकते हो बच्चा, राइट? ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया, ओके बेटा गौरी, वेरी गुड बेटा, थैंक यू. सो ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन हम पहले भी बता चुके, आप खुद भी लिख सकते हो, इतना कुछ मुश्किल है नहीं. एडवांटेजेस क्या है नैनो पार्टिकल के, वेयर टू बी यूज नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल आर यूज इन कैटलाइसिस, कैटलाइसिस इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये उसके एडवांटेजेस है. और उसके बाद और क्या है, कैटलाइसिस हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिक्स हो गया, उसके बाद क्लींजिंग एजेंट, तुम्हारे जो क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं उसमें भी नैनो पार्टिकल यूज करते हैं. उसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर में बेटा क्या यूज करते हैं, सिल्वर नैनो पार्टिकल, AgNPS, वहां भी उसके यूज होते हैं. इतना सब आप लिख सकते हो, यस बेटा साक्षी, इंडस्ट्री तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है. तो ये सब यूज हो गए. आगे फॉलोइंग टर्म्स, सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट. अब सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि वेयर वन एटम
या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, एक मिनट सर, फॉरेन एटम रिप्लेसेस द होस्ट एटम from its lattice site, जहां foreign atom replaces the host atom from its lattice site, that effect is called as substitutional impurity defect. For example, brass. In brass, zinc atom replaces copper atom from its lattice site. अपने lattice site से वो उसको replace करता है, ठीक है? Interstitial impurity defect क्या है बच्चों? जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, दे आर फाउंड इन इंटरस्टाइसेस ऑफ आयन. फॉर एग्जाम्पल स्टील जो है, स्टील में जो आयन्स है वो आयन्स के बीच में, ये आयन्स अगर है, ये आयन्स के बीच में आपको छोटे छोटे कार्बन मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी. हाँ हाँ, डायग्राम तो बना ही सकते हो ना बच्चा, डायग्राम तो बना ही सकते हो आप, ठीक है? आगे ध्यान में, ठीक है? ओके, डायग्राम भी बनाया था, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बेटा, ठीक है? चलो मूविंग अहेड. नाउ राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग. क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद फ्यूमिंग H2SO4. तो क्लोरोबेंजीन को अगर आप हीट करोगे फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4, व्हाट डू यू गेट? यू गोना गेट ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा बेंजीन क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, ये देखो, यहां पे क्लोरीन, यहां पे SO3H, ये एक प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा मिलेगा क्लोरीन SO3H, ये मिलेगा, ये रहेगा तुम्हारा माइनर और ये रहेगा तुम्हारा मेजर. एक मेजर, एक माइनर, इस तरह से तुमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे. दूसरा, इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सिल्वर एसिटेट. अब इथाइल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br प्लस सिल्वर एसिटेट. सिल्वर एसिटेट मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड OAG. तो यहां पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, O माइनस Li प्लस. तो ये क्या करेगा, सीधा इधर अटैक करेगा, बियर माइनस निकल जाएगा, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस AgBr, राइट? इथाइल, और ये क्या है, एसिटेट. सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इज इथाइल एसिटेट. तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल एसिटेट यू विल गेट. ओके, ठीक है, चलो देन मूविंग अहेड, आगे निकलते हैं. डिफाइन एसिडिक बफर सॉल्यूशन. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2. तो बच्चा एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है, इट इज एन इक्विमोलर, क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज सोडियम एसिटेट. ओम कोलाल, हाय, CH3COn, ये तो दिस इज एसिडिक बफर. और यू कैन टेक अनदर HCN एंड NaCN. दिस इज व्हाट द एसिडिक बफर इज ऑल अबाउट. दूसरा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन PbI2. अब देखो PbI2 कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों, इट विल गिव यू PB2 प्लस 2i माइनस, राइट?
तो स्टार्टिंग में होगा 1 0 0, ये होगा तुम्हारा 1s रेस्ट टू 1, ये 2s रेस्ट टू 2, तो तुम्हारा KSP क्या आएगा, KSP will be equal to 1s रेस्ट टू 1, 2s रेस्ट टू 2, so KSP is equal to 1s1 plus 4s square, अरे प्लस का इक्वल का मैंने 4s square, and therefore KSP is equal to 4s cube. That is what the relationship between equation लिखा है सर, वहां equation कहां लिखा है बच्चों, equation तो नहीं लिखा सर, the Scott took my question paper but I had done calculation, what will happen, I have not cheated. If you have done calculation, you will get your marks, beta. You will get your due marks. और आधा मिलेगा, आप 4 में से 3 मिलेगा, और depend करता है, ठीक है? Okay? चलो. So इस तरह से ये question solve करना था. ये actually अपने model question paper में से ही ये question है, बच्चों. ठीक है? चलो. Moving ahead. What is the action of following reagents on ethylamine? Ethylamine पे आगे वालों reagent का क्या परिणाम होगा? पहला chloroform. इथिल अमाइन C2H5NH2, उसमें आप क्या डाल रहे हो, क्लोरोफॉर्म एंड कॉस्टिक पोटैश, हैंडरसन हैसलबच इक्वेशन, वो कहा, यहां तो नहीं आया बच्चा वो, इसमें आप क्या डाल रहे हो बच्चा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, कॉस्टिक पोटैश मतलब क्या, KOH, राइट, तो ये आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू C2H5NC, तो दिस विल गिव यू इथाइल आइसोसाइनाइड, क्या देगा तुमको ये, इथाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्बालामाइन टेस्ट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कार्बालामाइन टेस्ट, ठीक है. दूसरा नाइट्रस एसिड C2H5NH2, इसमें मैंने नाइट्रस एसिड डाला, अब नाइट्रस एसिड किससे बनता है बच्चों, तुम सबको पता है नाइट्रस एसिड बनता है NaNO2 प्लस HCl से, तो ये तुमको क्या देता है, दिस गेट्स यू C2H5N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज कॉल्ड एज इथाइल डायएजोनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल डायएजोनियम क्लोराइड, ओके, ठीक है. दे टूक माय क्वेश्चन पेपर, they count it as cheated, I am really scared, please tell me sir, I have written honest paper. अब रोनी दोषी में क्या बोल सकता हूँ बच्चा, कहा वहां पे क्या हुआ मुझे नहीं पता ना, ठीक है. चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर रिएक्शन. अब इसके लिए स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज बोलना है, अब भाई कुरकुटे हाय, तो यहां पे देखो, तो तुमको बेसिकली बच्चों तुमको यहां पे क्या निकलना है, डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ये फॉर्मूला है, तो ये तो तुमको दिख रहा है, ये पता होता है, ये भी निकालना है, तो ई जीरो सेल कैसे निकालते, तो ई जीरो सेल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड. अब कैथोड कौन है इधर, जहां पर जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो कैडमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, दैट मींस दिस मस्ट बी योर एनोड. टीन का हो रहा है रिडक्शन, तो इस मस्ट बी योर कैथोड, राइट. तो ई कैथोड, तो टीन जो तुम्हारा कैथोड है, टीन का वैल्यू कितना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.136. उसके बाद में कैडमियम का कितना है, माइनस 0.403, तो 0.136 प्लस 0.403, तो बेसिकली 0.403 माइनस 0.136, तो कितना होता है ये, 64%, राइट. सो इट बिकम्स प्लस 0.267 वोल्ट, राइट. ये आ गया तुम्हारा ई जीरो सेल. नाउ ये डालना है तुमको वहां पे. अब इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व है बच्चा, यहां पे दिख रहा है कि यहां पे तीन रिडक्शन, तीन का रिडक्शन कितने से हुआ है, 2 से हुआ है, और कैडमियम का ऑक्सीडेशन कितने से हुआ है, 2 का, मतलब n कितना हो गया तुम्हारा, n हो गया 2, तो डेल्टा g इज इक्वल टू 2
96,500 into E0 कितना है 0.267 बराबर। अब मैं इसको क्या करता हूं, -2 × 965 × 10^2 × 0.267 को मैं ना इसको आगे मल्टीप्लाई करता हूं, -2 × 965 × इसको दो डेसिमल आगे पुश कर दिया 26.7। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करके तुम्हारा आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, मैं मुझे बस तुमको राह दिखा रहा है, एग्जैक्ट पूरा का पूरा कैलकुलेशन में करके नहीं देने वाला बच्चों। ये कुछ 1800 और उसका कुछ अराउंड 36,000 के आसपास कुछ तो भी आएगा। ठीक है, लेकिन जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। किसमें आएगा बच्चों, नेगेटिव में आएगा। अविन चौधरी है बेटा, ठीक है, चलो मूविंग अहेड। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबोस। ग्लूकोज का सुक्रोज से सर गिवन लिखने पर कितना मार्क्स मिलेगा, गिवन लिखने पर बेटा आधा मार्क्स मिल सकता है, कितना आधा। ठीक है, सो ग्लूकोज का सुक्रोज से प्रिपरेशन, सुक्रोज क्या है C12H22O11, दैट इज योर सुक्रोज। इसमें तुम डालोगे बेटा वॉटर इन प्रेजेंस ऑफ वॉट H+ आयन एंड ये तुमको देगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज, है ना। उसके बाद तुम उसको वॉटर या अल्कोहल का यूज करके यू कैन सेपरेट बोथ दिस कंपाउंड्स। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ डी राइबोस का स्ट्रक्चर, HOH, यहां पे सेंटर में ऑक्सीजन, यहां पे CH2OH, HOH, दैट इज योर डी राइबोस, है कि नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा थी सर जी, ओके बच्चा वेरी गुड, तो हलवा खाया तुमने। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, डिफाइन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 10 dm³ to 20 cm³ एट 298 kelvin वैक्यूम। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एनी प्रॉपर्टी व्हिच वैल्यू डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम। एनी प्रॉपर्टी व्हिच वैल्यू डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मास, वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, है ना, एंथैल्पी भी आएगा, इंटरनल एनर्जी, ये सब के सब आ रहे तुम्हारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब 10 dm³ to 20 cm³, अब उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, W = -P∆V बराबर। अब प्रेशर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ 2 mole ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 20 cm³ to 2 cm³ एट 298 kelvin। प्रेशर दिया है, R पता है, वॉल्यूम पता है, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके तुम सॉल्व, मैटर की जगह मास लिखा तो चलेगा। हाँ जोशुआ बेटा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, चलो देन मूविंग अहेड, राइट द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6,6 polymer। मास लिखा तो भी चलेगा बेटा, चलता है, मास लिखो मैटर लिखो एक ही बात है वो। ठीक है, अब नाइलॉन 6,6 polymer कैसे बनता है बच्चों, ये तुम्हारा बनता है अडायपिक एसिड CH2 4COH, अडायपिक एसिड, और उसके बाद क्या, हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, क्या बच्चों, हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, ये
हेक्सामिथिलीन डायमाइन, इन दोनों को फ्यूज कर दो तो यहां से पॉलीमराइजेशन, वहां से भी पॉलीमराइजेशन, तो बच्चों क्या मिलेगा देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच टू फोर, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच टू सिक्स एन एच, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नाइलॉन 66। अब बच्चों इसको नाइलॉन 66 क्यों बोलते हैं, ये देखो ये छह कार्बन और ये छह कार्बन, और इसलिए इसको बोलते हैं बच्चा नाइलॉन 66। यस बच्चा वर्ल्ड एंड जीरो, वेरी गुड, ठीक है चलो मूविंग अहेड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आगे जो कंपाउंड दिए हैं उनके स्ट्रक्चर हमको लिखने हैं, जैसे कि क्लोरिक एसिड। अब बच्चा क्लोरिक एसिड मतलब क्या, HClO3 को क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या है, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH HClO3, दैट इज क्लोरिक एसिड। दूसरा क्या है, पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड मतलब S double bond O, OH, O, S double bond O, OH, H2S2O7, +2, 8, H2S2O8, that is peroxy disulfuric acid, HClO2 नहीं बेटा, HClO2 नहीं, HClO3, HClO2 जो है वो तुम्हारा हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है, ये क्लोरिक एसिड था। चलो मूविंग अहेड, सेक्शन ए सेक्शन बी सब खत्म हो गया, अब वी आर गोइंग टू सेक्शन सी, डिफाइन ऑस्मोसिस, हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कैसे करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड, इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, टू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, राइट। तो तुम्ही लिहू शकता आता, आता मोलर मास याचं डेरिवेशन कसं करणार, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलॅरिटी ऑफ सोल्यूट, राइट, देअरफॉर डेल्टा टीबी is equal to KB into M, where KB is what? KB is ebullioscopic constant or molar elevation constant of molality. M is molality. Now, what is molality? Number of moles of solute. Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब देखो सपोज W2 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन व्हाट, W1 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सर इधर मैंने मोलर मास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग वेपर प्रेशर से डिराइव कर दिया,
रिलेटिव नहीं ना बच्चा, वो कैसे चलेगा, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यूटी बाय एम2, अब मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू वन ग्राम, जी मतलब ग्राम, डब्ल्यू वन ग्राम। अब देखो एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय वन, डब्ल्यू वन डिवाइड बाय वन, तुम ऐसे लिख सकते हो बच्चा, राइट। अब यो वन कैन बी इक्वल टू 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 केजी, ऐसा मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि बिकॉज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, देयरफॉर दिस बिकम्स 1 केजी डिवाइडेड बाय 1 केजी एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओनली, राइट। तो इसलिए ये जो वैल्यू है पूरा का पूरा मैं यहां 1 के जगह डाल सकता हूं। तो W1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 के जी, राइट। तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, W1 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स के जी, ऊपर चला जाएगा, ग्राम्स ग्राम्स कैंसल, टेकिंग दिस वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन मोलालिटी। ये वैल्यू मैंने पूरी की पूरी उठाई और मोलालिटी में डाल दी, क्योंकि मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये देखो W2 बाय M2, राइट, W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय क्या है आपके सामने है, W1 kg डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो मोलालिटी क्या बन गया, W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1 kg डिवाइड बाय 1000, तो ये बन गया मोलालिटी। अब ये पूरा का पूरा उठाया मैंने और इधर डाल दिया, क्या बनेगा, डेल्टा टी बी के बी W2 W1 kg डिवाइड बाय M2 इंटू 1000। अगर तुमने बोला है कि मोलर मास निकालना है तो यस यू कैन कोरिलेट दिस, मोलर मास मतलब क्या, M2, M2 इज इक्वल टू KB W2 W1 kg डेल्टा TB 1000, दैट इज हाउ यू कैन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड द रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग नहीं, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच इज डेल्टा TB, ठीक है, आ गया समझ में। चलो देन, ये हमने पहले भी किया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी किया है, उसके पहले भी किया है, तुम खुद कर सकते हो बच्चा। इथाइल अल्कोहल इन टू इथाइल एसिटेट कैसे कन्वर्ट करोगे, इथाइल अल्कोहल इन टू इथाइल एसिटेट। तो इथाइल अल्कोहल तो होता है बच्चा ये C2H5OH, इसके साथ तुमको डालना पड़ेगा तुमको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, यहां पे तुमको लेना पड़ेगा एसिड, कौन सा एसिड, एसिडिक एसिड, ये तुमने लिया, क्या डालते हो, ये रिएक्शन तो पहली बात रिवर्सिबल होता है, एसिडिक कंडीशन क्या होता है, अल्कोहल का एच एंड एसिड का OH, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एंड पीछे बचा C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज इथाइल एसिटेट। ओके, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट, फिनॉल इंटू बेंजीन, फिनॉल इंटू बेंजीन कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन तो और भी सिंपल है, ये फिनॉल, इसमें ना बच्चा सिर्फ जिंक डाल दो, क्या डाल दो, जिंक। सर मैंने एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट की यूज की पेपर लिखा, लेकिन बिकॉज माइन ऊपर से कुछ लिखा था तो पेपर चेक हो गया, क्या मतलब, समझा नहीं मैं। एनीवेज, तो यहां पे जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा एंड यू वुड बी लेफ्ट विथ प्योर बेंजीन रिंग। ये जिंक जो है ना बच्चा, ये जिंक तुम्हारे ऑक्सीजन को लेके
उड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहां पे अटैच हो जाएगा, तुमको मिलेगा बेंजीन रिंग, ठीक है। हाँ जिंक, यस बच्चा, डाइथाइल इथर इनटू इथाइल क्लोराइड, नेक्स्ट डाइथाइल इथर मतलब C2H5O इनटू इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड में अगर इसको तुमको कन्वर्ट करना है बच्चों, तो इसमें डाल दो PCl5 अगर डाल दोगे तो PCl5 के दो क्लोरीन इसके साथ चले जाएंगे, यू विल गेट C2H5Cl प्लस POCl3, ठीक है, आ गया समझ में। चलो देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 10% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15 मोलर सॉल्यूशन। तो बच्चा पेपर हार्ड था कि इजी बताओ ना सर, पेपर हार्ड था कि इजी बताओ, अच्छा वही पूछ रहे हो बच्चा, पेपर इजी था, कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे लेकिन न्यूमेरिकल ट्रिकी थे, तो पेपर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, पेपर इजी ही था, अगर तुमने ठीक से पढ़ा होता, मॉडल क्वेश्चन पेपर ठीक से सॉल्व किए होते, वो मेरा लेक्चर जो मैंने लिया वो भी अगर तुमने अटेंड किया होता बच्चा, तो तुमको इजी ही जाता, ठीक है। अब देखो परसेंट डिसोसिएशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है, परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, तो तुमको पता है फॉर्मूला क्या है, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, राइट, फॉर टू सॉल्यूशंस के ए इज सेम, तो के ए इज इक्वल टू अल्फा वन स्क्वायर सी इज इक्वल टू अल्फा टू स्क्वायर सी, C1 C2, राइट, C1 तो दिया है तुम्हारे सामने, अल्फा वन स्क्वायर 10%, ये क्या है, अरे यार एक मिनट, परसेंट अल्फा इज इक्वल टू 10%, मतलब क्या, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 10/100, 0 0 गेट्स कैंसल, अल्फा इज 0.1। सर HSC होलोग्राम उल्टा लग गया, उल्टा लग गया तो बच्चा कुछ नहीं, आप तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो अल्फा वन स्क्वायर 0.1 स्क्वायर, नाम तो लिखा ही होगा ना बच्चा वहां पे, तब प्रोसेस राइट किया और फाइनल आंसर रॉन्ग आया तो कितने मार्क्स कटेगा, तो बच्चा एक या डेढ़ मार्क्स कटेगा, तो 0.1 स्क्वायर, C1 कितना है 0.05 मोलर, अल्फा 2 स्क्वायर निकालना है, C2 दिया है 0.15 मोलर, तो ये क्या बन जाएगा, 10^-2 5×10^-2 अल्फा 2 स्क्वायर, अरे 0.15 मोलर, तो ये बन गया 5×10^-4 अल्फा 2 स्क्वायर इंटू 0.15, 0.15 को मैं यहां लेके आया, तो अल्फा 2 स्क्वायर 5×10^-4 वो हो गया 15×10^-2 बराबर, 5×1=5, 5×3=15, सो अल्फा 2 स्क्वायर, यहां पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, समथिंग वेंट रॉन्ग हियर, 10^-2 5×10^-2 5×10^-4 15/10^-2 हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सो 1/3 मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 1। बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र चैनल, ओके बच्चा, थैंक यू। सो 0.1 का स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ पे, 10^-2 बन गया 5×10^-2 अल्फा 2 स्क्वायर 0.15 मोलर, 0.15 मोलर मतलब 15×10^-2 वो उसके नीचे जाएगा, तो ये ऊपर मैं लिख दूंगा 100×10^-6/3×10^-2 ये ऊपर जाएगा तो 10^-2 बन जाएगा, और ये अल्टीमेटली बन जाएगा अल्फा 2 स्क्वायर इंटू 33×10^-2 तो अल्फा क्या आएगा, अब 33 का स्क्वायर रूट तो मुझे नहीं पता बच्चों, लेकिन 36 का पता है, 36 का कितना आता है 6 आता है, तो 33 का कुछ 5 point something आएगा, तो 5.3 समझ लो, और −4 था ये -2 बन जाएगा,
बराबर। सो अल्फा इज इक्वल टू 5.3 इनटू 10 रेस टू माइनस 2 बराबर। तो परसेंट अल्फा कितना आएगा, परसेंट अल्फा इज इक्वल टू 5.3 इनटू 10 रेस टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू या फिर 100 100 गेट्स कैंसिल, परसेंट अल्फा इज 5.3। तो 5.3 इज योर परसेंट अल्फा, जिस जिसका 5.3 के आसपास आया है वो सही है, ठीक है। चलो देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट एक्सप्लेन डीहाइड्रोहैलोजनेशन, एक्सप्लेन डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, राइट यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सीएफसी। सीएफसी मतलब क्या बच्चा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये आ गया तुम्हारा 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका मैं क्या कर रहा हूं, इलिमिनेशन डीहाइड्रोहैलोजनेशन। क्या रिएजेंट है बच्चों, अल्कोहलिक KOH। तो तुम्हारे पास यहां पे हाइड्रोजन कहां कहां पे है, तो ये तुम्हारा अल्फा है, ये बीटा, बीटा वन और ये बीटा टू, राइट। तो यहां से भी हाइड्रोजन जाएगा, यहां से भी हाइड्रोजन जाएगा, दोनों साइड से हाइड्रोजन जाएगा बराबर। तो दोनों साइड से अगर हाइड्रोजन जाएगा तो अगर बीटा वन इलिमिनेशन होगा बच्चों तो मुझे मिलेगा ये अल्किन, और अगर बीटा टू इलिमिनेशन होगा तो मुझे मिलेगा ये वाला अल्किन। तो मुझे मिलेगा 2-butene, 1-butene, कौन सा रहेगा मेजर, दिस विल बी योर माइनर एंड ये रहेगा तुम्हारा मेजर, राइट। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब यूज ऑफ सीएफसी, अब सीएफसी का यूज क्या है, इट इज यूज इन रेफ्रिजरेशन, इट इज यूज इन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन में उसको यूज करते हैं, किसको, सीएफसी को। सीएफसी मतलब क्या, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, और उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या बच्चों, इट कॉजेस ओजोन डिप्लेशन, इट कॉजेस व्हाट, ओजोन डिप्लेशन, राइट। ये तुम सबको पता ही है बच्चों, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट 200 मिलीमोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। ये फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू यस मनन बबरवाल 2-butene बराबर है। तो हाँ बच्चा 5.73 के आसपास बराबर है, प्रवेश यू आर राइट बच्चा। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चा, इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू, रुको, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 v2 बाय v1, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग दिस। अब 200 मिलीमोल मतलब क्या, सो यू आई नीड टू टेल यू दैट 1000 मिलीमोल इज इक्वल टू 1 मोल एंड देयरफॉर 2000 मिलीमोल इज इक्वल टू 2 मोल। इसका मतलब तुम्हारा एन कितना आ रहा बच्चा, तुम्हारा एन आ रहा है 2। तो ये फॉर्मूला आप इसमें डाल दो, डब्ल्यू मैक्स -2.303 एन, एन कितना है बच्चा अभी सामने निकाला 2, आर कितना है 8.314, टेम्परेचर टी कितना है 300 केल्विन, लॉग ऑफ v2 बाय v1 कितना है तुम्हारे सामने v2, ये देखो ये तुम्हारा v2, सॉरी गलत हो गया, ये तुम्हारा v2 नहीं, ये v1, ये v2। तो लॉग ऑफ v2 बाय v1 30/20 बराबर। सो ये बन गया -4.606 8.314 इंटू 3 इंटू 10 रेस टू 2 लॉग ऑफ 1.5। अब लॉग 2 बच्चा, लॉग 2 कितना होता है, लॉग 2 0.3 होता है, लॉग 1 0 होता है, तो लॉग 1.5 जो है ना वो 0.2 के आसपास होता है।
तो ये माइनस 4.6 इंटू 8.3 इंटू 3 इंटू 10 रेस टू 2 लॉग 1.5 हो गया 0.20। ये 10 रेस टू 2 ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20। 20 इंटू 3 कितना हो गया 60। 4.6 इंटू 8.3 इंटू ये हो गया 60। 46, 8.3। अब मुझे कोई टेबल तो याद है नहीं, मैं फटफट फट, 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 कर देता हूं। 8.3 इंटू 46, 46 इंटू 3 कितना होता है 100, 138। 13, 46 इंटू 8 कितना होता है 38 प्लस 13 381। माइनस इंटू 6 इंटू 10 रेस टू 1 सो 381.8 इंटू 6 6 8 48 8 यू गॉट 4 6 1 6 प्लस 4 10 1 6 8 48 प्लस 1 49 4 6 3 18 प्लस 4 22 डेसिमल पॉइंट 2290 Rather 10 raised to 1 BA, 22,908 minus, that is what? Joule. ये कितना आया बच्चा? ये आया joule. अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दोगे तो आएगा माइनस 22 किलो जूल, राइट? 22.9 मतलब वही माइनस 22.9 किलो जूल per mole, that is what is the W max. Okay, I am Arjuna, next student sir. ये अच्छे क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन येतात 12th मध्ये. पूजेश पाकमणे, हाँ बाळा, काही क्वेश्चन इजी असतात, काही कॉम्प्लिकेटेड असतात, जनरली इजी येतात येतात, ठीक आहे? म्हणून तर सीडी असते ना, ठीक आहे? व्हॉट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉयज विथ एग्जांपल्स. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, दिस इलेमेंट्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द इंटरस्टाइसेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, इंटरस्टाइसेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है? आणि याच्यामुळे वी आर डन सर, गुड। आणि इंटरस्टिशियल कंपाउंड याच्यामुळे काय होतं? इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी, त्यांची कंडक्टिविटी वाढते, रिजिडनेस वाढते, ठीक है? सो दीज आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। जेई ला 94.54 आले, आता जेई काय का सीईटी का, अरे बाप आले लेते, गेम ओवर, अरे बाप। क्लासिफिकेशन ऑफ अलॉयज विद एग्जांपल, सो अलॉयज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बच्चा, फेरस अलॉय नॉन फेरस अलॉय। फेरस अलॉय जैसे कि क्रोम स्टील, निकेल स्टील, ठीक है? जिसे आयरन स्टार तो सके क्रोम स्टील, यस बच्चा, वेरी गुड मनी बबरवाल। एंड नॉन फेरस अलॉय जैसे कि ब्रास, ठीक है? ब्रास इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस अलॉय, ठीक है? ओके, जहां पे आयन नहीं होता वो नॉन फेरस अलॉय, जहां पे आयन होता है वो फेरस अलॉय, ठीक है? चलो मूविंग अहेड, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ H2O2 फ्यूल सेल, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल। अब ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, फ्यूल सेल ड्रॉ करने को बोला है। अब फ्यूल सेल तुम खुद भी ड्रॉ कर सकते हो बच्चा, क्या मुश्किल है इसमें, आप मुझे बताओ। यहां से हाइड्रोजन गैस अंदर आता है,
बराबर, यहां से ऑक्सीजन गैस अंदर आता है, यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके बाद में यहां पे जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन किस चीज का होता है बच्चा, KOH सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? KOH सॉल्यूशन। फिर बताए, अच्छा क्या बताओ फिर से बच्चा? H2O प्रोड्यूस, यस बच्चा KOH सॉल्यूशन, यस बेटा वेरी गुड, O2 H2 ठीक है, और ये यहां पे अटैच होता है, यहां पे है तुम्हारा प्लस चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारा एनोड, ये तुम्हारा कैथोड, दैट इज व्हाट द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। वो तुम खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। सर सांगा ना जेई करू का सीईटी, मला खूप टेंशन आले, जेई ला 94.54 आले, सीईटी पण दे बाळा, सी पण सीईटी पण दे, काय फरक पडतो, जेई ला चांगला स्कोर आला आहे, सीईटी ला अजून चांगला स्कोर येईल, काय प्रॉब्लेम नाही, दे सीईटी ठीक आहे। टू ऍप्लिकेशन ऑफ फ्युएल सेल, फ्युएल सेल आर यूज्ड इन बॅटरीज, फ्युएल सेल आर यूज्ड इन बॅटरीज ऑफ कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स, दे आर यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट, दे आर यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट टू जनरेट प्योर वॉटर, दे आर यूज इन स्पेसक्राफ्ट टू जनरेट प्योर वॉटर। और लैपटॉप में, बैटरीज में, कार में तो वहां पे यूज होते ही है, तो ये दो यूजेस बता दिए तो भी इनफ है बच्चों, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ COF63- कॉम्प्लेक्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन। तो ये देखो, ये सेम एग्जाम्पल है, ये सेम एग्जाम्पल मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर के मैराथन में लिया था, आप जाके देख सकते हो। COF63- सबसे पहले निकाल लेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बच्चों? COF63-, तो इसका चार्ज है प्लस, माइनस वन इंटू सिक्स, चार्ज इज इक्वल टू -3। स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन ऑन प्रैक्टिस लगते, अच्छा तो एक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री, x इज इक्वल टू -3 प्लस सिक्स, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट आया +3 में, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d7, राइट। अब कोबाल्ट +3 अगर होगा बच्चों तो क्या बन जाएगा ये? दिस विल बिकम 3, तो यहां के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहां का एक निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 3d6 4s0 4p0 4d0 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज व्हाट बच्चों? फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगेंड, एंड वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है? वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट कॉज ए स्पेयरिंग, इट डज नॉट कॉज ए पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं करता है। तो अगर ये पेयरिंग नहीं करता है, इसका मतलब ये जो D6 के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही रहेंगे। S तुम्हारा, ये तुम्हारा S, P ये 3P, और D ये तुम्हारे 5D। अब अगर ये Not used in hybridization, इसका hybridization में कोई भी use नहीं होने वाला, इसका मतलब क्या कि यहां पे जो hybridization होगा वो होगा sp3d2, इन सब का hybridization होगा, इन सब का hybridization होगा, this will give you 6sp3d2 hybrid orbitals, राइट right? तो करेक्ट आंसर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो तुम्हारे सामने कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4
you got 4 unpaired electrons. So it is highly paramagnetic. It is highly paramagnetic. Barabar. Next, inner or outer? कौन सा कॉम्प्लेक्स लगता है, इनर या आउटर? इट इज आउटर, क्योंकि बाहर का शेल उसने यूज किया है ना, तो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नॉट द इनर ऑर्बिटल. ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या लगता है तुमको? 6 है तो ज्योमेट्री इसका क्या होगा? ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल लाइक दिस. राइट, ऑक्टाहेड्रल है ना, आ गया समझ में? ओके, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए बच्चा? 100 में से पास होने के लिए 35 चाहिए. ठीक है, आ गया समझ में? चलो देन मूविंग अहेड. व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच अपियर्स टू बी हायर ऑर्डर. बराबर, द रिएक्शन विच इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर बट इट अपियर्स टू बी हायर ऑर्डर बट इट इज फर्स्ट ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, hydrolysis of ester, this is the example, plus water. ये तुमको क्या देता है? C2H5OH plus CH3. I think इतना पता है तो भी ठीक है. ठीक है, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, इतना ही पूछा है, दैट्स इट. डिराइव्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किसका पूछा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बच्चों? ए गोस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी, राइट? सो फॉर जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू जीरो. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका मतलब रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के ए रेस टू जीरो, राइट? अब ए रेस टू जीरो क्या है? ए रेस टू जीरो मतलब 1 बच्चा. तो देयरफॉर व्हाट यू गेट इज -dA/dt इज इक्वल टू k. ऑन रीअरेंजिंग व्हाट डू वी गेट? +kt, एंड देयरफॉर dA इज इक्वल टू -kt, राइट? अब इसके बाद इसका क्या करते हो? इंटीग्रेशन. ऑन इंटीग्रेटिंग between limits a 0 and a t, तो ये a 0 a t d a minus k 0 t and t, right? अब इसके बाद क्या मिलेगा तुमको? a t minus a 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है वहां पे? -kt, राइट? ये माइनस सिंबल अगर मैंने अंदर डाल दिया तो क्या बनेगा बचेगा? -a0+at इज इक्वल टू -kt. माइनस सिंबल अंदर डाल दिया, a0-at इज इक्वल टू kt, एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू a0-at divided by t, and that is the integrated rate law expression for zero order reaction. Hai ki nahi? Simple hai na bachcho?
कॉम्प्लिकेटेड है क्या, इजी था कि नहीं पेपर? ठीक है चलो मूविंग अहेड, एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा 70 में से कितने मार्क्स चाहिए? 70 में से वैसे तो बेटा 28 चाहिए, ठीक है 28 मिल गए तो तुम पास हो। ओके सो इथेनॉल, ये तुम्हारा इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें तुम क्या डालते हो? उसमें तुम डालते हो एक्वियस KOH या NaOH, जो तुम डाइल्यूट ले सकते हो या फिर तुम लिख सकते हो कि डाइल्यूट NaOH, बराबर। अब ये तुमको क्या देगा? ये रिलीज करेगा बेस OH माइनस, OH माइनस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड यहां से वाटर निकल जाएगा। सो यू वुड बी लेफ्ट विथ CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, राइट? तुमको मिलेगा कार्बेनियन, राइट? अब ये कार्बेनियन क्या करेगा बच्चों? ये जो कार्बेनियन है ये दूसरे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। दूसरा अल्डिहाइड कौन सा है? वही है, इथेनॉल ही है, इथेनॉल पे ही ये अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट? तो ये तुमको क्या देगा? अब देखो CH2 CH3 O माइनस H, यहां पे क्या बच रहा है? CH, राइट? अब तुम इसका एसिडिक वर्कअप करोगे H3O1 प्लस। एसिडिक वर्कअप मतलब क्या? एसिडिक वर्कअप में क्या होता है? ये जो O माइनस होता है जिसको हम लोग अल्कोक्साइड बोलते हैं, वो अल्कोक्साइड का OH हो जाता है। तो ये तुमको देगा अब CH2, यहां पे ये CHO, CH3, यहां पे OH एंड यहां पे H, दैट इज वॉट यू विल गेट एज अ प्रोडक्ट। अब इसको अगर नाम ही देना है तुमको तो इसको नाम तो तुम दे सकते हो। ये फर्स्ट पोजिशन 1 2 3 4, राइट? तो इट इज ब्यूटानल, इट इज वॉट, इट इज ब्यूटानल। तो तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, राइट? तो इसको क्या नाम दोगे तुम? थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम दोगे बच्चा? थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, राइट? 70 मार्क्स का लिहून आलो आहे, वर लागली राव केमिस्ट्री मध्ये पण 50 मार्क्स का राइट केला। हाँ ठीक है, 70 मार्क्स का लिहिला मग तर बाळा तू फेल, 17 मार्क्स का लिहिला कोण पास होतो? तो देव पण पास नाही करू शकत, ठीक है? हो गया क्लियर? अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल कैसे लिखना है, ठीक है? चलो आगे निकलते हैं। आप नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 विद रिस्पेक्ट टू, ग्रुप 16 का जो एनोमलस बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू सम प्रॉपर्टीज वो कैसा है? तो देखो एटोमिसिटी, एटोमिसिटी कितना है बच्चों? एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन is 2, for example O2 and sometimes 3 also, sometimes 3 also, for example O3, right? But for other members like sulfur it is 8, फॉर सेलेनियम इट इज 8। सल्फर क्या फॉर्म करता है? S8। सेलेनियम भी Se8 फॉर्म करता है, लेकिन ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना है बच्चों? 2। बट 2 इनल बनेगा कैसा? हां बच्चा बनेगा, वो मैंने आगे का बताया नहीं। ये जो तुम बोल रहे हो ना, यहां से अगर तुमने इसमें एसिड डाला, H प्लस आयन डाला, तो H प्लस आयन यहां का OH, यहां का हाइड्रोजन निकाल लेगा और तुमको क्या मिलेगा? What you get is this, ये तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूट
टू इन ऑल, ठीक है। लेकिन वो लास्ट में, वो लास्ट में, ठीक है, मेन तो प्रोडक्ट यही है, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोला तो यही बोलेगा, बोलने का एसिड डालने के बाद जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। गुड इवनिंग सोनी भैया, सोनी पटेल जो भी नाम है, ठीक है। चलो देन मूविंग अहेड, तो ये समझ गया, ये ऑक्सीजन का एटोमिसिटी का ट्रेन ऐसा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एनएमएलएस बिहेवियर कैसा है कि ओनली ओ टू, ओनली ओ टू इज पैरा मैग्नेटिक, ओनली ओ टू इज पैरा मैग्नेटिक। रेफरेंस क्या है बच्चा, रेफरेंस है मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या है एमओटी, मोलेक्युलर ऑर्बिटल थ्योरी इज योर रेफरेंस। तो ओनली ओ टू इज पैरा मैग्नेटिक, रेस्ट ऑल आर डायमैग्नेटिक, बाकी सब क्या है बच्चों डायमैग्नेटिक है, ठीक है, ओके। चलो देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट लास्ट सेगमेंट सेक्शन डी, सेक्शन ए हो गया, बी सी सब हो गए, अब लास्ट सेगमेंट दैट इज सेक्शन डी। अरे हाँ थर्ड वाला है गया ना, सॉरी 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 माय बैड, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन इट इज माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू, प्लस वन प्लस टू किसके साथ होता है विथ फ्लोरीन, माइनस वन इन पेरोक्साइड्स एंड माइनस टू इज इट्स जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस टू इज इट्स जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। बट फॉर द अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक प्लस फोर प्लस सिक्स ईटीसी, किस वजह से, बिकॉज दे आर हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो प्लस फोर प्लस सिक्स नहीं दिखा सकता। ऑक्सीजन की मेन ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन माइनस टू यही है, प्लस वन प्लस टू तो वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही दिखाता है, ठीक है बच्चों। चलो देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट सेक्शन डी, सेक्शन डी में क्या होता है, अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, चार क्वेश्चन दिए होते हैं, चार में से आपको तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज थ्री टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। पहले आपको यह डेरिवेशन सॉल्व करना है, तो क्या है, तो देखो फॉर 99.9% कंप्लीशन, इसके लिए तुम्हारा ए जीरो तो हमेशा 100 ही रहेगा, राइट। तुम्हारा एटी, एटी कितना रहेगा, एटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो आपका बचा, ये क्या है 26 लेफ्ट, नहीं नहीं सब क्वेश्चन हुआ है बच्चा, कोई नहीं रहा, सब क्वेश्चन कवर किया मैंने, तो 100 माइनस 99.99 कितना बनता है, ये 0.001, राइट, उतना कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा बचता है। तो अब तो तुम्हारा के का फॉर्मूला क्या आएगा, 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ऑफ ए जीरो बाय ए टी। यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने, 99.99 ठीक है, चलो मैं पूरा लिख ही लेता हूं, 100.00 माइनस 99.99091 0.0, हाँ बराबर किया मैंने 0.001, ठीक है। सो तो तुमको निकालना है टी, तो टी का टी के आगे 57 तक जाएगा, अच्छा ठीक है, तो टी के आगे तुमको क्या लिखना है बच्चों, टी क्या आगे लिखना है 99.9, तो 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ ए जीरो, ए जीरो कितना है तुम्हारा
100 है, राइट, 100 डिवाइड बाय 0.001, राइट, 0.01 नहीं आएगा ये, सॉरी, ये वही मैंने सोचा क्या गड़बड़ हो गई, 0.01 आएगा ना, ये 0.01 आएगा, 0.01 बराबर, हाँ हाँ 99.9 है बराबर, तो ये आ गया तुम्हारा T99.9 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय K लॉग ऑफ 0.1 आएगा ना, वो सिर्फ 0.1 ही आएगा, 0.1, सॉरी तो लॉग ऑफ 100 तो लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाय 0.1 सो क्या बनेगा ये 2.303 के, ये आ गया तुम्हारा लॉग ऑफ 1000 बराबर, लॉग ऑफ 1000 क्या होता है, 3 होता है कि नहीं, 2.303 के मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 1000 कितना हो गया 3, राइट, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या है, T90 बराबर, T90 तुम्हारा अगेन A0 कितना है, 100 है, A0 100 है, राइट, AT कितना है बच्चों, AT तुम्हारा 100 माइनस 90 है ना, तो 100 माइनस 90 कितना आता है, 10 आता है, 100 माइनस 90 तुम्हारा कितना आता है, 10 आता है ना बराबर, हाँ। अब मैंने इसको T90 के इक्वेशन में डाला, T90 का क्या आ रहा है, 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ 100, क्योंकि A0 ऊपर है ना, 100 डिवाइड बाय 80 दैट इज 10, राइट, 0 0 गेट्स कैंसिल, अब लॉग ऑफ 10 कितना आ रहा है, लॉग ऑफ 10 इज 1, राइट, सो T90 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के इनटू लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 इज 1, so therefore T90% is equal to 2.303 divided by k, ये equation number 2 और ये equation number 1। अब तुम्हारे सामने तुमको क्या प्रूव करना है, T99.9 divided by T90 is thrice of each other, तो तुम खुद देखो 2.303 divided by k multiplied by 3, वो देखो divided by 2.303 डिवाइड बाय के, तो ये दोनों गेट्स कैंसिल, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज 3, व्हिच इटसेल्फ प्रूव्स दैट T99.9 इज थ्राइस देन T90, ओके, आ गया समझ में बच्चों, ये तो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी किया था, ठीक है, गैडोलिनियम, अब गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 64, अब 64 है तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, ज़ेनॉन आएगा, ज़ेनॉन कितना हो गया 54, उसके बाद तुम्हारा आएगा 4F7, 54 प्लस 7 कितना हो गया 61 के बाद क्या है 5D1 6S1, नाउ 54 प्लस एक्चुअली 6S2 आएगा, वो 6s2, right? That is what is going to be electronic configuration for gadolinium. उसके बाद क्या है? Name of a nanostructure material used in tire to increase the life of tire. It's carbon black. Carbon black used in tires. टायर्स में क्या यूज करते हैं बच्चों, टायर्स में यूज करते हैं बच्चों कार्बन ब्लैक, जिससे टायर की इफिशियंसी या लाइफ बढ़ती है, ठीक है, आ गया समझ में, चलो नेक्स्ट,
Derive the relationship between delta H and delta U for a gaseous reaction. Define vulcanization. What is a peptide bond? So delta H and delta U. So delta H likhne se pehle, enthalpy. Enthalpy H kya hota hai? H is equal to U plus PV. Right? Enthalpy is equal to internal energy plus the work done obtained by pressure volume work. तो इसीलिए जब तुम डेल्टा एच लिखते हो वो बन जाता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. राइट? ओके. नाउ नाउ फॉर अ गैसियस स्पीशीज, गैसियस स्पीशीज डेल्टा वी कांट बी निग्लेक्टेड. Neglected, right? And assuming all reactants and products behaving ideally, assuming all reactants and products behaving ideally, we can have PV is equal to NRT. ये तो सबको पता है, right? अब प्रेशर तो बच्चा यहां पे प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन तुम वॉल्यूम तो चेंज कर सकते हो ना. वी कैन हैव पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी एंड पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी. राइट? अब ये जो पी डेल्टा वी है तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वन. राइट? डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी का मतलब वही तो होता है ना. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी. देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस N2 minus N1 RT. And therefore, delta H is equal to delta U plus delta NG RT. And that is the derivation between delta H and delta U. Sahi hai. Yes, beta. Thank you. So, delta NG kya hai? Delta NG is number of moles of products minus number of moles of reactants for gaseous state. Remember, this is not applicable for solid and liquid. If reaction is happening in gaseous medium, then and then only it is applicable. ठीक है बच्चों. अब वल्केनाइजेशन. अब वल्केनाइजेशन क्या है? व्हाट इज वल्केनाइजेशन? वल्केनाइजेशन इज द इट इज अ केमिकल प्रोसेसिंग. इट इज द केमिकल प्रोसेसिंग. एक बात याद रखो बच्चा, ये क्वेश्चन, हाँ अभिजीत, बड़ा सोपा होता. ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है. तो जो दो डेरिवेशन मैंने अभी किया वो 2 मार्क्स का था. बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के लिए आता है. तो अभी डिफाइंड वल्केनाइजेशन 1 मार्क्स का है, पेप्टाइड बॉन्ड 1 मार्क्स का है, तो उसमें ज्यादा नहीं लिखना है. डेरिवेशन 2 मार्क्स का है. सो इट इज द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रबर विच इंट्रोड्यूसेस which introduces cross-linking of sulfurs in elastomers of rubber, improving its physical properties. And that property is called as vulcanization.
राइट हा एंटरटेनमेंट मराठी गेम पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? This connection between two or more amino acids is called as peptide bond. Okay, that is enough. No need to tell you more than that. That is enough. Okay, chalo. Now, third question. Silver crystallizes in FCC structure. If edge length of unit cell is 400 picometer, calculate the density of silver. Atomic mass of silver is given. Write a note on haloform reaction. So, सबसे पहले जो question दिया solve करने को, yes बेटा आदित्य शिंदे alpha amino acid link करता है by dehydration. Yes बच्चा, very good. So यहां पे जो न्यूमेरिकल है वो 4 मार्क्स का है, उसके बाद में नहीं 3 मार्क्स का है. जो नोट लिखी है हैलोफॉर्म की वो 2 मार्क्स के लिए है या 1 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. तो क्या फॉर्मूला है? डेंसिटी डी इज इक्वल टू जेड इन टू एम एन ए एन ए क्यूब. यहां पर मैंने गलती कर दी, वो मैंने लिखना है एन ए ए क्यूब. अब जेड, अब ये क्या है बच्चों? FCC, राइट FCC. और Z क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल FCC के लिए कितना होता है? 4 होता है. इसलिए Z 4. मॉलिक्यूलर मास तुम्हारे सामने है 108. एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻²³ A3. A कितना है? A इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर. दैट इज 4 × 10⁻²² पिकोमीटर. अब एक पिकोमीटर मतलब कितना होता है? 10⁻²⁻ मीटर. एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू 4 × 10⁻²⁸ मीटर. यहां पे मैंने गड़बड़ की है शायद. पिकोमीटर मतलब कितना होता है? एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻². बराबर पिकोमीटर जो है, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या गड़बड़ की है यहां पे. 4 × 10⁻², 10⁻½ मतलब मीटर होता है. लेकिन हमको किस में लेके जाना है? हमको सेंटीमीटर में लेके जाना है. 4 × 10⁻², 10⁻²⁻ सेंटीमीटर. तो वो अल्टीमेटली बन गया 4 × 10⁻²⁸ सेंटीमीटर. 10⁻²⁸ सेंटीमीटर में लेके जाना है. So 4 × 108 divided by 6 × 10⁻²³ multiplied by 4 × 10⁻²⁸ सेंटीमीटर क्यूब. उसका क्यूब है राइट. यस बच्चा मतलब पिकोमीटर. सॉरी 4 × 108 डिवाइड बाय 6 × 10⁻²³ 4 का क्यूब कितना होता है? 64. 10⁻²⁸ का क्यूब कितना होता है? 10⁻²⁴. सो 6 × 6 = 6, 18 × 108, 4 × 4 = 16. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ? डेंसिटी इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²⁰. So therefore density is equal to 180 divided by 16, right? 180 divided by 16. So 16 × 11 = 176, 40. 16 × 2 = 32, 80. 16 × 5 = 11.25. 11.25 gram per centimeter cube. That is the density of your silver. ठीक है. उसके बाद
राइट अ नोट ऑन हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये हैलोफॉर्म वाला जो क्वेश्चन है बच्चा, ये दूसरी बार आया है। कितनी बार आया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पहली बार आया। सॉरी, माय बैड माय बैड। पहले आइडियल कंडेंसेशन आया था, राइट? मैं खुद कंफ्यूज हो गया दोनों में। होता है ना ऐसा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या रिएक्शन है हैलोफॉर्म? दिस रिएक्शन इज शोन बाय कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग दिस एंड दिस ग्रुप। जिन जिन कंपाउंड के पास ये ग्रुप होते हैं, वो कंपाउंड ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एसीटोन ही लिया, चलो एसीटोन में तो है ना, राइट? सो दिस इज रिएक्टिंग विद NaOH प्लस आई टू, राइट? NaOH प्लस आई टू मुझे वो क्या देता है? NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या देता है? सोडियम। सर जब पर मीटर क्यूब डेंसिटी लिखा है, मार्क्स मिल्स? यस बेटा, बिल्कुल मिलेंगे। पर मीटर क्यूब में सॉल्व करो, सेंटीमीटर में करोगे, मार्क्स तो मिलेंगे मिलेंगे बच्चा। हेलो ऋषभ रमानी। सो NaOI तो ये क्या करेगा तुमको? ये तुमको देगा CH3CO माइनस Na प्लस प्लस CHI3। व्हाट इज दैट? दैट इज आयोडोफॉर्म। येलो कलर, येलो कलर्ड आयोडोफॉर्म। एंड वो क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट? ओके, चलो मैन मूविंग अहेड। शायद ये अपना नहीं, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, बराबर दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, डिफाइन डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स क्या होता है? सो दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं। दीज आर नॉन मिरर इमेजेस। दीज आर नॉन मिरर इमेजेस या मिरर इमेज, मिरर इमेज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या बोला मैंने? दीज आर नॉन मिरर इमेज। देखो जो इनाइशोमर्स होते ना, वो ऐसा होता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ये राइट हैंड का मिरर इमेज आ गया लेफ्ट हैंड, तो दोनों एक दूसरे पे ऐसे बैठेंगे। यस बच्चा, विथ नो रिलेशन। तो डायस्टेरियोमर में क्या होता है? उनके बीच में कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होती, कोई भी नहीं। मतलब दीज आर नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो वो हो गया डेफिनेशन। सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ CONH3FCl2। सीस एंड ट्रांस आइसोमर देखो कैसे बनेंगे, तुम्हारे सामने लिखता हूं मैं अभी। क्या लगता है ये सी से क्या ट्रांस है? दिस इज ट्रांस, राइट? दिस हैज टू बी योर ट्रांस। सी से कैसे आएगा? ये देखो वो ट्रांस हो गया, ये सिस, ट्रांस सिस, बराबर। अब इसके बाद क्या है? व्हाट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड? गिव रीजन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन इज आल्सो कॉल्ड ड्राई ब्लीच। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनी इलेक्ट्रोड विच इज यूज, any electrode which is used to find out
used to find out the electrode potential. Electrode potential of unknown half cell. Any electrode which is used to find out the electrode potential of unknown half cell is called as reference electrode. Example kya hai? SHE, standard hydrogen electrode, or calomel electrode. Calomel electrode, silver wala, ya phir hydrogen wala, SHE, standard hydrogen electrode. Ye dono ke dono kya hai? Reference electrode. Last mein ozone ko, ozone wale isko dry bleach cube bolte hai. To dekho, ओजोन क्या करता है बच्चों पता है क्या? ओजोन जो है ना वो ऐसे डिकम्पोज हो जाता है, O2 प्लस. अब O2 प्लस O, ये O क्या है? दिस O इज नेसेंट ऑक्सीजन. व्हाट इज इट? नेसेंट ऑक्सीजन. अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? कलर मैटर को कर देता है ये कलरलेस मैटर. क्या कर देता है? कलरलेस मैटर. अब तुम बोलोगे उसको ड्राई ब्लीच क्यों बोलते हैं? तो बच्चों ये रिएक्शन होता है विदाउट वाटर. क्या होता है? द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन हैपेंस विदाउट यूज ऑफ अ वाटर. द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन हैपेंस विदाउट यूज ऑफ वाटर एंड दैट इज व्हाई इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज कॉल्ड एज ड्राई ब्लीच. इसलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राई ब्लीच. ओके, आ गया समझ में? चलो देन मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन. डाउ प्रोसेस, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का. डाउ प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. पहले उसकी रिएक्शन लिखते हैं. क्या प्रोसेस है बच्चों? तुम लेते हो क्लोरो बेंजीन, उसमें तुम डालते हो NaOH. टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 623 केल्विन. प्रेशर अराउंड 115 एटमोस्फेरिक प्रेशर. फिर तुमको ये क्या देता है? इट गिव्स यू सोडियम फिनोक्साइड. ये ऐसा. फिर तुम उसमें क्या डालते हो? फिर तुम उसमें डालते हो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट HCl. फिर वो तुमको देता है फिनॉल. और इस रिएक्शन को कहा जाता है डाउस प्रोसेस. इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस. सेकेंड, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर ऑन फिनॉल? फिनॉल में ब्रोमीन वाटर का क्या एक्शन होता है? एक्चुअली फिर से, अच्छा चलो फिर से लिखता हूं. ये फिनॉल और इसमें मैंने डाला ब्रोमीन वाटर Br2 इन H2O. तो ये तुमको देता है बच्चों 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल. ये तो सबको पता है. इट गेट्स यू 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल. और मेरा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बच गया. तो बच्चा गए तुम्हारे मार्क्स 4 मार्क्स. गिव रीजन ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट. राइट टू यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन. तो देखो ग्रुप 15, ये एक्चुअली मैं तुमको पहले बता चुका हूं और ये क्वेश्चन तुम्हारा तुम्हारे मैराथन में आया था. तो ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP3. इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्रुप 16 का? NS2NP4. तो NP3 क्या होगा? ये तुम्हारा NP3. NP4 कैसा दिखेगा? NP4 1, 2, 3, 4 बराबर. ये क्या है? व्हाट इज दिस? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये नॉन हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये तुम खुद लिख सकते हो लेकिन मैं तुम बताना मेरा काम है इसलिए बता रहा हूं. हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नॉन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो तुमको पता होगा कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी.
it has extra stability than the non-half filled electronic configuration. और इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहेगा. So इसका मतलब this electron will be difficult to remove. This electron will be difficult to remove. और यहां पे इलेक्ट्रॉन विल बी इजी टू रिमूव. इलेक्ट्रॉन विल बी इजी टू रिमूव. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद तुमको मिलेगा P3. ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी P3 अचीव कर चुका है, तो तुम इसको फोर्स करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए. और उसके चलते ये इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ग्रुप 15 का इससे ज्यादा रहेगा. और वही तो उन्होंने पूछा था, तो ज्यादा रहेगा इसका ग्रुप 15 का इससे ज्यादा रहेगा, मतलब ग्रुप 16 का इससे कम रहेगा. दैट्स इट. और आखिरी क्या था? राइट, टू यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन. अब डाइऑक्सीजन के कोई भी यूज दो यूज तुम लिख सकते हो. डाइऑक्सीजन कहां कहां यूज होता है? सबसे पहला होता है इन रेस्पिरेशन. अब यह बताने की जरूरत नहीं है. रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स लाइक यू एंड मी एंड प्लांट्स. दूसरा यूज क्या है? दो ही यूज बताए तो उतने यूज करने के. ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इन वेल्डिंग. ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इन वेल्डिंग, राइट. तो इस तरह से दो यूज तुम्हारे वहां पे हो गए हैं. ठीक है, दैट्स इट. ओके, थैंक यू बच्चों. इस तरह से हमने पूरा का पूरा पेपर कवर कर लिया है. आई होप आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाओ. ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 70 में से 70 मार्क्स यहां पे मिलेंगे. यस आर्टिसन, तो अभी अब आपको पढ़ाई करनी होगी मैथ्स की भी बायोलॉजी की. तो बचे हुए पेपर के लिए आपको ऑल दी बेस्ट. अच्छा पढ़िए और हमारे सीडी क्रैश कोर्स में जल्दी से ज्वाइन करिए. ठीक है बच्चों, चलो दैट्स इट. बाय बाय.